हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम जानेंगे कुछ अपडेट्स के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो ऐसी और अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगली अपडेट, कुछ और ट्रेनों के रद्दीकरण और कुछ ट्रेनों के फेरों में कमी की गई है। कम यात्री मिलने की वजह से कुछ ट्रेनों को रद्द किया जा रहा है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। उत्तर पश्चिम रेलवे की 5 ट्रेनों को अगले आदेश तक रद्द कर दिया गया है, जिसमें जोधपुर दिल्ली सुपरफास्ट, जोधपुर इंदौर एक्सप्रेस, जोधपुर बाड़मेर पैसेंजर, जोधपुर बिलाड़ा पैसेंजर और अम्बाला श्री गंगानगर इंटरसिटी ट्रेनों को अगले आदेश तक रद्द कर दिया गया है। और दोनों अजमेर अमृतसर एक्सप्रेस ट्रेन जो वाया जाखल और वाया बठिंडा होकर चलती है, दोनों ट्रेनों को साप्ताहिक कर दिया गया है। अगली अपडेट सोगरिया कोटा बाईपास रेलवे स्टेशन के बारे में है, जो कोटा रेलवे स्टेशन से 3-4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस रेलवे स्टेशन पर क्विक वाटर सिस्टम लगा दिया है, जिससे 5 मिनट में 24 कोचों की ट्रेनों में पानी भर दिया जाएगा और फुट ओवर ब्रिज भी ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है। इस रेलवे स्टेशन पर इतनी सुविधाएं इसलिए बढ़ाई जा रही है क्योंकि बीना और गुना की तरफ से आने वाली ट्रेनें, जो सवाई माधोपुर और जयपुर की तरफ जाने वाली ट्रेनों को कोटा रेलवे स्टेशन पर ना भेजकर सोगरिया कोटा बाईपास रेलवे स्टेशन पर ही ठहराव दिया जाएगा, और जिससे यात्रा का समय बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। अगली अपडेट इंटरनेट सुविधा को लेकर है। रेलवे ने अब तक 6,000 रेलवे स्टेशन पर वाईफाई की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। अगली अपडेट 0-27-53-0-27-54 हजर निजामुद्दीन नादेड़ मराठवाड़ा संपर्क क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन को लेकर 25 मई से इस ट्रेन को LHV कोचेस मिलने वाले हैं, जिससे यात्रियों को अच्छी सुविधा मिलेगी और ट्रेन की रफ्तार भी बढ़ेगी। और 25 को नादेड़ से और 26 को हजर निजामुद्दीन से LHV कोचेस के साथ संचालित की जाएगी। अगली अपडेट श्री गंगानगर नादेड़ सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन को लेकर राजस्थान के अलवर क्षेत्र के MP ने रेल मंत्री को पत्र लिखते हुए बोला कि इस ट्रेन को सप्ताह में 4 दिन वाया हनुमानगढ़ सादुलपुर जयपुर अलवर मथुरा होते हुए या फिर बठिंडा रेवाड़ी अलवर मथुरा होते हुए चलाने का पत्र लिखा। अगली अपडेट साइक्लोन की चेतावनी को देखते हुए 18 और 19 मई को राजस्थान की कुछ ट्रेनों को रद्द किया जा रहा है, जिनकी लिस्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो बस दोस्तों, अगर अपडेट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना। तब तक लिए जय हिंद एंड टेक केयर।